20 फरवरी को छत्तीसगढ़ व्यापम ने खाद्य निरीक्षक की परीक्षा का आयोजन किया था और इस परीक्षा में जो प्रश्न आए गए थे विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित, राज्य की संस्कृति, जनजाति और विभिन्न भागों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से कुछ अच्छे प्रश्नों का संकलन आप देख रहे हैं जीरो पीरियड पर। नमस्कार आप सभी को। आप जीरो पीरियड पर कल देख चुके हैं इस परीक्षा के चुने हुए कुछ प्रश्न। आज इस दूसरे भाग में, यानी कि वीडियो के दूसरे भाग में, जो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन आप कह सकते हैं, भाग दो इसीलिए मैंने लिखा है, इस पर आप कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ और प्रश्नों को जो कल की परीक्षा में, यानी कि कल के बजाय मैं ये कहूँ कि रविवार की परीक्षा में, रविवार की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं आज के कुछ नए प्रश्न जो उसी परीक्षा से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चिराग योजना का उद्देश्य किसे लाभ दिलाना है? आप प्रश्न को ढंग से पढ़िए और ठीक से समझने का प्रयास करिए। चिराग योजना, योजना का नाम है, आपको उसके लाभार्थी यानी हितार्थी का नाम खोजना है इसमें, कि ये योजना जो है वो किसको लाभ दिलाती थी, या किस इसका उद्देश्य जो है किसको लाभ दिलाना था, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, उपरोक्त सभी। इसका जो उत्तर है वो है किसान। ये जो योजना है वो 24 नवंबर 2021 में लागू की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो किसान की आय को बढ़ाना था। मतलब फार्मर्स के जो इनकम है उनको बढ़ाने का उद्देश्य लेकर के चिराग योजना शुरू की गई थी। और आपके प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर बी करेक्ट बैठता है। और सीजी चिराग योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीणों के पोषण, सेवन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सुधार, ये बिंदु थे। तो कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष पे पहुंचे तो किसान जो है इसका सही उत्तर बैठता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है, गाथा की सीताराम नायक का सीताराम कौन था? ये आपको तय करना है कि सीताराम इसमें कौन था। जो चार ऑप्शन है उसमें बंजारा दिया है, आदिवासी मुखिया दिया है, कलछूली शासक दिया है और चरवाहा दिया है। आपको ये देखना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में अगर आप जाएंगे तो आदिवासी मुखिया इसका सही उत्तर होगा। अगर थोड़ी सी बहुत इसकी जानकारी लेना चाहें तो, हालांकि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं और इससे इतर भी कह सकते हैं, क्योंकि सीताराम जो है वो अल्लूरी सीताराम नाम के एक आदिवासी के बारे में बात होती है। अल्लूरी सीताराम राजू, ये इनका पूरा नाम था, अल्लूरी सीताराम राजू। और ये अगर किसी तरह से आपके इतिहास में इनका नाम जो है वो दर्ज है तो वो है रंपा विद्रोह के कारण। आदिवासियों के मुखिया होते हुए इन्होंने ये विद्रोह किया था और सशस्त्र क्रांतिकारी बने थे ये, लेकिन सशस्त्र क्रांतिकारी बनने से पहले ये आदिवासी लोगों के बीच असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी काफी लोकप्रिय रहे थे। तो सीताराम वस्तुतः विशाखापट्टनम के आसपास आंध्र प्रदेश के एरिया में, समझिए इनका एक दबदबा रहा होगा और तब से आदिवासी मुखिया के रूप में आप इसे नायक सीताराम, सीताराम नायक या जो भी आप इसे पुकारें। तो आपके प्रश्न के उत्तर से इसका जो अनुमान लगाऊं मैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? उपहार का नाम क्या था यह बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, राखी, कर, टीका, नजराना, रैयत भेंट और सहसाल भेंट। तो आखिरी जो ऑप्शन है सहसाल भेंट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है और रक्षाबंधन के अवसर पर यही भेंट, इस भेंट, इस नाम से भेंट दिया जाता था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा? ऑप्शन है झारा, गुजिया, धनवार और कडरा। तो आपको इन्हीं में से चार में से चूज करना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन धनवार। धनवार जो जनजाति है वो बाण बनाती थी, उसके कारण इसका जो निर्माण है वो धनवार, धन धनु से बना धन है, धन बाण, धन धनुष बाण का के अपभ्रंश के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो
ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? जिले का नाम पूछा है, बस्तर, बालोद, दुर्ग और दंतेवाड़ा, चार ऑप्शन है। आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करते हैं कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। आपका जो उत्तर है वो आएगा दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी तक आपको आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क है उसका उत्पादन दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ियों में होता है। बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये 36 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर करीब चौड़ा है ये पहाड़ी, और इसमें बड़ी मात्रा में होता है। 12 निक्षेप है इसमें, लौह अयस्क के 12 निक्षेप हैं, और इसके निकट दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर मालेंगर नदी की घाटी में 2 और निक्षेप हैं। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा खासा यहाँ पर लौह का उत्पादन, लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया? तो ये एनीकट बनाया गया है राजिम में। आपको मैं ज्यादा इसका समय नहीं लूंगा इसके लिए। राजिम, टीला, अमसेना और आरंग, ये चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। राजिम में ये एनीकट बनाया गया है जो नया रायपुर में जलापूर्ति की व्यवस्था करेगा। इस प्रश्न में आपसे ये जानना चाहा गया है कि 2020 में किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? धान है, मक्का, खाद्यान्न और उद्यानिकी, ये चार ऑप्शंस हैं। आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए। तो आप धान, मक्का, उद्यानिकी पे नहीं जाएंगे, आपको खाद्यान्न के साथ जाना पड़ेगा। खाद्यान्न ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन इस राज्य के पर्वतारोही है, मतलब छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही इनमें से कौन है? ऑप्शन है निशु सिंह, राहुल गुप्ता, निशा यादव और उपरोक्त सभी। लास्ट में चौथा ऑप्शन डी जो दिया गया उसमें कहता है उपरोक्त सभी। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं तो निशु सिंह तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है। राहुल गुप्ता भी बिलासपुर से बिलोंग करते हैं तो ये भी छत्तीसगढ़ के ही पर्वतारोही हुए। निशा यादव भी बिलासपुर से बिलोंग करती हैं तो ये भी एक तरह से छत्तीसगढ़ की ही प्रतिभाशाली पर्वतारोही निकली। अंत में उपरोक्त सभी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों जो पर्वतारोही हैं, राहुल गुप्ता माउंटेन मैन के नाम से ख्याति प्राप्त हैं, और बिलासपुर की निशा यादव जो है वो केदारकांठा ट्रेक में 12,500 फीट की ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा करके आई हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये सारे के सारे जो है पर्वतारोही छत्तीसगढ़ से हैं, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? ये आपको बता, ऑप्शन मुक्केबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन और दौड़, ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। आपको बताना है सही जवाब क्या है। सही जवाब के लिए आपको लास्ट ऑप्शन डी पे आना पड़ेगा, दौड़। इसका सही जवाब है दौड़। 2 बार की ओलंपियन रही हैं और 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं ये। 2013 से भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये बड़ा काम कर रही हैं। 100 मीटर का इनका एक रिकॉर्ड है राष्ट्रीय, और 2013 से ये राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ओलंपियन रही हैं, 2 बार की ओलंपियन रही हैं। 2016 के रियो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करके ओलंपिक खेलों में महिलाओं के 100 मीटर में भाग लेने वाली देश की 5वीं महिला एथलीट बनी थी। तो ये थोड़ा सा परिचय था दूती चंद का, जिन्हें वीरनी पुरस्कार दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। इस वीडियो के आखिरी सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, संसद रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला? सरोज पांडे, छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम या KTS तुलसी। आप देख सकते हैं ये चारों नाम जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, और इनमें से किसे दिया गया ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है छाया वर्मा, ऑप्शन बी। छाया वर्मा को संसद में अच्छे कार्य के लिए 2020 का 2020 का संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं ये, और इनको ये पुरस्कार मिला है। तो मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने
20 फरवरी को जो व्यापम की ओर से आयोजित की गई परीक्षा, जिसमें फूड इंस्पेक्टर का सिलेक्शन होना है, उसके कुछ अच्छे प्रश्नों पर बात की, ताकि हम और आप समझ पाएं कि छत्तीसगढ़ से संबंधित किस तरह के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। इसलिए मैंने प्रश्नों का चयन ऐसे किया ताकि आप प्रश्न के विकल्प के साथ कुछ और बातें समझ सकें, और जो चार विकल्प दिए हैं उन पर भी छोटी छोटी चर्चा करके हम यह समझने का प्रयास करते हैं, ताकि प्रश्न तो हमको समझ में आ ही जाएगा, और यह भी तय है कि यह प्रश्न ऐसे ही रिपीट नहीं होगा, लेकिन उस प्रश्न से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आपको किसी दूसरे प्रश्न के लिए मदद करेंगे। आप ये मान के चलिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न एज इट इज तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन उनके साथ जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो वो तथ्य हमारे दिमाग में आते हैं, और उन तथ्यों के आधार पर कोई नया प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह से हम ऐसी तैयारी करते रहते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिए और अपना ख्याल रखिए, साथ पे उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।